हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने। वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं VG के चंद्रू, एजिला रासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कंप्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति S अघोरम, कलपति S गणेश और कलपति S सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS एंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली, तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है।
बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुल गोकुलम मूवीज ने केरल के लिए, मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने यूके और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। और श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय राज अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन बाल आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी सुनील त्यागराजन कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे उनसे यूरेनियम छीनना होता है। पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सफर सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है, और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉक्स बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास
पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर देखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं वीजी के चंद्रू, एजिला रासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कम्प्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS एंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का से 400 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था।
बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली। तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज ने केरल के लिए। मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील का रोल कर रही है जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन बाल आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है जो कि गर्भवती है और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन
पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं VG के चंद्रू, एजिलारासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कम्प्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को
संपादित किया है वेंकट राजन ने, फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS इंटरटेनमेंट ने, इंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का से 400 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली, तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज़ ने केरल के लिए, मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा इंटरटेनमेंट और हंसिनी इंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभुदेवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील का रोल कर रही है जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन बाल आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे उनसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व
अब मैं अपने प्रमुख पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सफर सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है, अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के व्यवसाय के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है।
फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने। वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं वीजी के चंद्रू, एजिला रासू और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कंप्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS एंटरटेनमेंट ने, एंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपये का से 400 करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस एट वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली, तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज ने केरल के लिए, मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। और श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन बाल आयु
आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिशा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में एमएमएस गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता एसटीएस आतंकवादी उमर को पकड़कर उनसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब द ग्रेटेस्ट
द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने। वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं वीजी के चंद्रू, एजिला रासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कंप्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS एंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का से 400 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली, तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज़ ने केरल के लिए, मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभुदेवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है।
लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है, और श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है, और एम साम मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे, और वाई जी महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू एम आई राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय राज अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। वीटीटी गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं, और एस जे अखिलन आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है, और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं, और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पर कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में एम एस गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है, और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सफ़र सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है, और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है, और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है, और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है, और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं,
तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं वीजी के चंद्रू, एजिलारासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कंप्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS एंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का से 400 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस एक्ट वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली, तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज़ ने केरल के लिए।
मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने यूके और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। T. शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन बाल आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी सुनील त्यागराजन कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उनसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सफर सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सही ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है, और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है। और क्या क्या होता है
और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं VG के चंद्रू, एजिला रासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कम्प्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति S अघोरम, कलपति S गणेश और कलपति S सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS एंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का से 400 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस एक वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली। तो दोस्तों, 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा
OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज ने केरल के लिए। मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन बाल आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आज
आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं VG के चंद्रू, एजिलारासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कम्प्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS एंटरटेनमेंट ने, एंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है।
और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का से 400 करोड़ रुपए का था, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस एक वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली। तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज़ ने केरल के लिए। मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू। डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील सुनील का रोल कर रही है जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। और श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रॉ अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय राज अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे उनसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सफर सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है जो कि गर्भवती है और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है।
आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं VG के चंद्रू, एजिलारासु
और वेंकट प्रभु ने फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कंप्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS इंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपये का से 400 करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस एक वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली, तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज ने केरल के लिए। मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा इंटरटेनमेंट और हंसिनी इंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM साम मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन बाल आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS
आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे यूरेनियम पकड़कर उसे उनसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सफर सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है।
भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने। वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं वीजी के चंद्रू, एजिला रासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कंप्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS इंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपये का से 400 करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस एक वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली, तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज़ ने केरल के लिए, मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा इंटरटेनमेंट और हंसिनी इंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM साम मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन बाल आयु जीवन
बाल आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिशा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में एमएमएस गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता एसटीएस आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सफर सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है, अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब द ग्रेटेस्ट
द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं वीजी के चंद्रू, एजिला रासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कंप्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS एंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का से 400 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस एक्ट वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली, तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे, श्री गोकुलम मूवीज़ ने केरल के लिए, मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए, अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं, कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभुदेवा ने काम किया है, मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है, अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे, वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे, योगी बाबू डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं, प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है, अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है।
लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज डब की गई है, और श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है, और एम मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे, और YG महेंद्रन रॉ अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय राज अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं, और SJ अखिलन बाल आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है, और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं, और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी सुनील त्यागराजन कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे यूरेनियम पकड़कर उसे उनसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है, और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं, और जिस ट्रेन में वह सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सही ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है, और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है, और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है, और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है, और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं, और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉक्स बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है, और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है, और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं, और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है, और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन के से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो यह फिल्म कौन सी है, और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप
साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं वीजी के चंद्रू, एजिला रासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कम्प्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS एंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस एक वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली, तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुल
गोकुलम मूवीज ने केरल के लिए, मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने यूके और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। और श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM साम मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन बाल आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा
गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन के से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको ये फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं वीजी के चंद्रू, एजिलारासु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कम्प्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS इंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली। तो दोस्तों, 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा
OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा खरीदा गया है, और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा खरीदा गया है। और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया, और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज़ ने केरल के लिए। मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे, और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं, और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू। डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे, और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। और श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है, और MM मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे, और YG महेंद्रन रॉ अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय राज अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं, और SJ अखिलन बाल आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है, और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं, और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे उनसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है, और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं, और जिस ट्रेन में वह सफर सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है, और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है, और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है, और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है, और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक
आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं VG के चंद्रू, एजिला रसु और वेंकट प्रभु ने। फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कम्प्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति S अघोरम, कलपति S गणेश और कलपति S सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS एंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है।
और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का से 400 करोड़ रुपए का था, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस एट वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली। तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज ने केरल के लिए। मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है, जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील सुनील का रोल कर रही है, जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। और श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रो अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं, जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS आतंकवादी उमर को पकड़कर उनसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सफर सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है, और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है।
आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, उत्पादन, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे GOAT यानी गोट के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में विजय ने प्रशांत विजय के साथ साथ प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और युगेंद्र ने साथ में अपनी भूमिका को दोहराई है, भूमिका को निभाई है। यह स्टूडियो का 25वां प्रोडक्शन है और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म रही है। फिल्म आतंकवाद विरोध दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उसके पिछले कार्यों में उपजी थी। बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है वेंकट प्रभु ने, वहीं पर फिल्म की पटकथा तैयार की है वेंकट प्रभु, एजिरसु गणकेसरन के चंद्रू ने, और इस फिल्म में जो डायलॉग्स है वो दिए हैं VG के चंद्रू, एजिलारासु
और वेंकट प्रभु ने फिल्म की कहानी वेंकट प्रभु ने कंप्लीट की है और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश के द्वारा। फिल्म को छायांकित किया है सिद्धार्थ नूनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है वेंकट राजन ने। फिल्म में संगीत दिया है युवान शंकर राजा ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है AGS इंटरटेनमेंट ने इंटरटेनमेंट के द्वारा। फिल्म को वितरित किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि 183 मिनट की है और यह फिल्म का जो टोटल बजट है 380 करोड़ रुपए का से 400 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 455 से 456 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की कि फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म को कितना वोटिंग करा और उस वोटिंग के आधार पर इस फिल्म को क्या रेटिंग मिली, तो दोस्तों 6.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं पर 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म देखने के लिए मिलेगा OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और इस फिल्म नेटफ्लिक्स के द्वारा ख़रीदा गया है और फिल्म का प्रीमियर 3 अक्टूबर 2024 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में कर दिया गया है। बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की तो इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम दिया गया और 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। फिल्म को वितरित किया गया रोमियो पिक्चर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। श्री गोकुलम मूवीज ने केरल के लिए। मैत्री मूवी मेकर्स ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जी स्टूडियोज ने उत्तर भारत के लिए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और हंसिनी एंटरटेनमेंट ने UK और यूरोप के वितरण अधिकार हासिल किए और इस फिल्म को रिलीज़ किया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर आप देख पाएंगे विजय को दोहरी भूमिका निभाते हुए, एक का नाम SS गांधी है और दूसरे का नाम संजय मेनन है जिसका एक और नाम होता है जीवन गांधी। प्रशांत इस फिल्म के अंदर सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाए गए हैं। कल्याण सुंदरम के रूप में प्रभु देवा ने काम किया है। मोहन मोहन राजीव मेनन का रोल कर रहे हैं और जयराम ने नजीर का रोल किया है। अजय गोविंद राज के रूप में आप अजमल अमीर को देख पाएंगे। वैभव शाह के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे योगी बाबू, डायमंड बाबू का रोल कर रहे हैं। प्रेमगी अमरेन ने सीनू का रोल किया है। अनुराधा अनु गांधी के रूप में स्नेहा सविता रेड्डी को आप देख पाएंगे और आवाज़ जो है वो सविता रेड्डी द्वारा डब की गई है। लैला इस फिल्म के अंदर डॉक्टर राधिका सुनील सुनील का रोल कर रही है जो कि रेड्डी द्वारा आवाज़ डब की गई है। श्रीनिधि सुनील के रूप में मीनाक्षी चौधरी ने काम किया है और MM मानसी द्वारा इनकी आवाज़ डब की गई है। जीविता गांधी के रूप में आप अभियुक्त मणिकंदन को देख पाएंगे और YG महेंद्रन रॉ अधिकारी के रूप में दिखाए गए हैं। युगेंद्रन अब्दुल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। टी शिवा भारतीय दूतावास के अधिकारी का रोल कर रहे हैं। सुब्बू पंजू MI राजेंद्रन का रोल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद आकाश ने अरविंद के रूप में काम किया है। अजय राज अजय का रोल कर रहे हैं। दिलीपन ने दिलीप का रोल किया है। VTT गणेश ने राघवन का रोल किया है। पार्वती नायर ने पार्वती के रूप में काम किया है। कन्हैया अभी मेनन का रोल कर रही हैं और SJ अखिलन आयु जीवन के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म के अंदर कुछ कैमियोज भी हैं जिसमें शिव कार्तिकेयन स्वयं के रूप में कैमियो करते हुए नजर आए हैं और त्रिषा कृष्णन मट्टा गीत में नर्तकी के रूप में इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आई हैं। बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट और कहानी को कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि 2008 में केन्या में MS गांधी, सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद राज से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता STS
आतंकवादी उमर को पकड़कर उसे यूरेनियम पकड़कर उसे उनसे यूरेनियम छीनना होता है। अपने पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में बैठा होता है और वे मेनन से यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सफर सवार था उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके होंगे। दिल्ली में वापस दिखाया जाता है कि टीम भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवार से अपनी असली नौकरी के वो छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहती है, जो कि गर्भवती है और उसका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। आगे दिखाया जाता है कि गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद वह अनु के बेवफाई के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर जाता है और मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन का मान लेते हैं, जिससे गांधी तबाह हो जाता है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना वो बंद कर देती है। कहानी अब 2024 में आ जाती है। फिर गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उसकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर गांधी के पूर्व बॉस और कल्याण ने उन्हें फिर से खोए गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहता है। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाता है, लेकिन उसके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक को देखकर चौंक जाता है और खुद को छोटा संस्करण दिखाता है और उसे पता चलता है कि यह जीवन है। उसकी पुष्टि तब होती है जब हमलावरों से बचाव करने में उसकी वो मदद करता है। वे चेन्नई लौटते हैं और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी।